नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। परमंडल में अवैध रूप से पशु तस्करी करते पकड़ाया युवक, गाड़ी खराब होने के चलते मिली सफलता। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुरताई क्षेत्र से। लगातार बड़ी संख्या में अवैध रूप से पशु तस्करी की जा रही है और भारी मात्रा में गोवंश को महाराष्ट्र राज्य कत्लखाने में ले जाया जा रहा है। आज सुबह पशु तस्करी करने वाला एक वाहन ग्राम परमंडल पर एक नाले के पास खराब हो जाने के कारण तस्करी करने वाले व्यक्ति वाहन को खाली कर भागने की फिराक में थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और इसकी सूचना तत्काल बजरंग दल के गगन साहू, ऋषि साहू, भूपेश साहू, जतिन साहू आदि को दी, जिसके बाद बजरंग दल के साथी ग्राम परमंडल पहुँचे और पशु तस्करी करने वाले व्यक्ति को वाहन सहित पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ऋषि साहू ने बताया कि उन्हें आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम परमंडल में एक नाले के पास एक वाहन खड़ा है जिसमें गोवंश भरा हुआ है। जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जामगांव खड़का निवासी महेंद्र कदू उम्र 32 वर्ष वाहन के साथ था। उसने बताया कि यह गोवंश शेघाट निवासी उमर कुरेशी का है, जिसे महाराष्ट्र ले जा रहे थे। वाहन में 7 गोवंश भरे हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मिलते ही पुलिस थाने में दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पशु तस्करी कर रहे व्यक्ति सहित वाहन को पुलिस थाने लाया गया। वहीं बजरंग दल के साथियों द्वारा मृत गोवंश का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया गया। स्टेट हेड राजेश खरसे की रिपोर्ट। आपका किस पद में? आप? मैं ऋषि साहू, बजरंग दल जिला सहायक। ये गाय की गाड़ी पकड़ाई थी, क्या इस संबंध में क्या जानकारी बताए? भाई साहब, ये आपको परमंडल के अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता ने सुबह 5 बजे सूचना दी थी कि एक गाड़ी मवेशियों से भरी थी, जिसमें गाड़ी खराब हो गई थी तो खाली कर रहे थे। तत्काल हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद में प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आया और गाड़ी को थाने में लेके आया। कितने मवेशी इसमें भरे हुए थे? इसमें 7 थे, एक गाय बचिया मर गई। ये कहाँ पर अभी उनको रखा है? अभी तो परमंडल पे है, इनको गौशाला पहुँचाया जाएगा और जो मृत बचिया है उसे दफनाया जाएगा। और गाड़ी अभी जो है गाड़ी थाने में। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इस संबंध में? इसकी चाहते हैं कि रात की कार्रवाई हो इस पे और मालिक पे भी कार्रवाई। भाई साहब, क्या नाम है आपका, किस पद पे आप? गगन साहू, बजरंग दल से हूँ मैं। ये आज गौवंश की गाड़ी भी पकड़ाई है, जिसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्ताई क्षेत्र में लगातार गौवंश तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। प्रशासन से निवेदन है कि कृपया इस गौ तस्करी पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो बजरंग दल द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और फिर आगे की जो भी घटना घटती थी उसका जवाबदार प्रशासन रहेगा।